हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट ओडिशा जर्नी फॉर एजुकेशंस। तो गाइस, आज आसतु देखिबा आमर जो हिस्ट्री रो किछि क्वेश्चन रहिछि आउ सबु अन्य किछि क्वेश्चन रहिछि मिक्स क्वेश्चन। तो सही क्वेश्चन गुड़ी का आमे एबे डिस्कशन करबा। देखंतु एक नंबर क्वेश्चन कोन अछि। देखंतु द्वितीय विश्वयुद्ध परे इंग्लैंड रो सरकारंकर परिवर्तन घटी किए इंग्लैंड रो प्रधानमंत्री होइतिले। तो लॉर्ड वाभेन, ना क्लिमेंट ऑटली, ना लॉर्ड माउंटबेटन, ना जनरल फ्रांसिस टक्कर। हला तो किए हेतले प्रथमे ना द्वितीय विश्वयुद्ध युद्ध पर इंग्लैंड सरकार परिवर्तन रे तने किए हेतले क्लिमेंट ऑटली होचो हमरो प्रधानमंत्री होइतले। हला नेक्स्ट देखिबा। देखंतु दुई नंबर क्वेश्चन कोन अछि। निम्नोक्त मध्यरु केउ मसिया रे प्रादेशिक स्तर रे विधानसभा पय निर्वाचन होइतला। तो देखंतु 1946, ना 47, ना 49, ना 50। तो हमर कोन हबो ना 1946 मसिया रे कोन होइतला प्रादेशिक स्तर रे विधानसभा पय निर्वाचन होइतला। हला नेक्स्ट देखि आमे। देखंतु 3 नंबर क्वेश्चन कोन अछि। देखंतु 1946 मसिया रे कैबिनेट मिशन क्यों उद्देश्य रे भारत को आसला। तो भारतीय मानक अशांति को दूर करिया पई, ना भारतीय मानक दाबी गुड़ी को विचार करिया पई, ना प्रादेशिक स्तर निर्वाचन परिचालना पई, ना भारतीय नेतृवृंद सहित बुझामणा करिया पई। तो कौनटा आग भितर ठीक जो आमर कैबिनेट मिशन आसला नहीं कि 1946 मसीह। तो से कैबिनेट मिशन रे ताकर कौन थिला ना जो भारतीय नेतृवृंदों सहित बुझामणा करिया से माने आसीतले। हला नेक्स्ट देखिबा। देखंतु 4 नंबर क्वेश्चन कौन रही। कैबिनेट मिशन रो प्रस्ताव अनुजाई संविधान प्रणयन सभा गठन रे केते जन सदस्य रहिबार थिला। तो अच्छी केते ना 296, ना 318, ना 399, ना 403। कारण किए केते जन थिले रे जो 300 जो थिला 99 जन होचो हम राइट आंसर हबो। हला केते जन 399 जन। हला मन रहला। नेक्स्ट देखिबा। देखंतु 4 नंबर क्वेश्चन गला परे आमे देखिया बर्तन 5 नंबर क्वेश्चन। संविधान प्रणयन हेबा पर्यंत एक मध्यकालीन सरकार गठन करिया पई प्रस्ताव रे केते जन प्रतिनिधि को नै एहा गठित हेबार थिला। 14 जन, ना 10 जन, ना 6 जन, ना 5 जन। ताले आमर उत्तर कौन हम राइट आंसर हम 14 जन को नहीं। हला 14 जन को नहीं कि गठन होबार थिला। हला नेक्स्ट देखंतु निम्नोक्त व्यक्ति मानक मध्यरु किए मुस्लिम लीग रो नेता थिले। अरुणा आसफ अली, ना मोहम्मद अली जिन्ना, ना शौकत अली, ना मोहम्मद अली। देखंतु ये होची मोहम्मद अली जिन्ना। हला मुस्लिम लीग रो नेता थिले। अच्छा जो मोहम्मद अली जिन्ना 1906 मसीह से कौन करते मुस्लिम लीग प्रतिष्ठा करते यहाँ मन रखिए 1906 मसीह से मुस्लिम लीग प्रतिष्ठा करते। हला आसे केते स्वतंत्र जो पाकिस्तान गठन करिया को से परामर्श दिले केबे ना जो 16 अगस्त थिला 16 अगस्त 1946 को से प्रत्यक्ष कार्य दिवस बोले अभिहित करथिले। हला मन रहला। तापर नेक्स्ट देखंतु 6 नंबर क्वेश्चन गला परे हमर देखिया बर्तन 7 नंबर क्वेश्चन। केउ दिनटी को प्रत्यक्ष कार्य दिवस पालन करिया पई मुसलमान मान को आह्वान दिया जाइतला एबे कहिथिले। देखंतु ताले आम कौन हम 1946 मसीहा जो थिला अगस्त जो 16 तारीख सेटा होचो हमर राइट आंसर हबो। हला नेक्स्ट देखंतु 8 नंबर क्वेश्चन बर्तन कौन अछि। 1946 सेप्टेम्बर 2 तारीख रे काहांक प्रतिनिधित्व रे कांग्रेस मध्यकालीन बा मध्यवर्ती कालीन सरकार गठन कला।
महात्मा गांधी, ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ना सरदार वल्लभ भाई पटेल, ना जवाहरलाल नेहरू। ताले एटा हबो आमर राइट आंसर हबो कौन हबो जवाहरलाल नेहरू ला। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखते संविधान प्रणयन सभार प्रथम बैठक केबे बसीला आमर 1946 सेप्टेम्बर 13 ना 1946 अक्टूबर 13 ना 1946 डिसेम्बर 9 तारिख ना 1946 डिसेम्बर 19 तारिख। ताले प्रथम अधिवेशन केबे बसीला ना 1946 डिसेम्बर 9 तारिख दिन बसीला हला मन रहला। अच्छा नेक्स्ट आम देखिए देखो 10 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखो संविधान प्रणयन सभार स्थायी सभापति भावे किए निर्वाचित होते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ना जवाहरलाल नेहरू ना अटल बिहारी वाजपेयी ना लाल बहादुर शास्त्री। स्थायी सभापति क्या रखाई तो प्रथम जो आमर थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी सभापति भाव घोषणा कराई निर्वाचित होते तापर आम देखा 11 नंबर क्वेश्चन कौन रही देखु रही मुस्लिम लीग्र नेता मोहम्मद अली जिन्ना क्यों कारण कैबिनेट मिशन प्रस्ताव उपर क्षुब्ध थे तो मुस्लिम लीग्र दाबीगुड़ी उपर मिशन रोसी प्रस्ताव नाला ना ऑप्शन बी हम मुसलमान सभ्य संख्या संविधान प्रणयन सभा गठन रे कम थिला ना ऑप्शन सी अच्छी कौन ना कैबिनेट मिशन मुस्लिम लीग्र परामर्श नहीं नथिला ना कैबिनेट मिशन प्रस्ताव रे स्वतंत्र पाकिस्तान गठन प्रश्न नथिला। ताले हम राइट आंसर कौन हम ना जो कैबिनेट मिशन प्रस्ताव रे स्वतंत्र पाकिस्तान गठन प्रश्न नथिला ला। तापर आम देखा नेक्स्ट देखु 12 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी 1946 सेप्टेम्बर 2 रे गठित मध्यकालीन सरकार रे मुस्लिम लीग कहारक जो प्रवर्तन रे सरकार रे जोग देइतला लॉर्ड माउंटबेटन ना लॉर्ड वावेल ना पैथिक लॉरेंस ना स्टापुट क्रिप्स। तो देखंतु जो लॉर्ड वावेल थिले सेतबेले 1946 सेप्टेम्बर 2 तारीख रे कौन करते ना जो मुस्लिम लीग ये लॉर्ड वावेल को प्रवर्तन रे सरकार रे जोग देते है। नेक्स्ट देखो 13 नंबर क्वेश्चन इंग्लैंड रो प्रधानमंत्री क्लीमेंट अटली केबे इंग्रेज माने भारत को क्षमता अर्पण करिए बोली घोषणा करते केते मसीह रे तो देखु 1948 जून 30 तारिख पूर्व से कौन करते से कही कौन ना आमर भारत को क्षमता अर्पण करेंगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा 14 नंबर क्वेश्चन लिखे लॉर्ड लुई माउंटबेटन केबे भारत को वाइसरॉय हुई आसी लॉर्ड माउंटबेटन जो केबे भारत को वाइसरॉय हुई आसी तो 1947 मार्च हूँ 22 तारिख ना 1947 मार्च 27 ना 1947 एप्रिल 21 ना 1947 जून 20 ताले हबो कौन ना 1947 मार्च माने जो मसीहा मार्च हूँ 22 तारिख दिन से कौन करते वाइसरॉय हुई आसते है। नेक्स्ट देखा आम 15 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखु निम्नोक्त मध्य क्योंटी माउंट बैटन का योजना अंतर्भुक्त नथिला भारत और पाकिस्तान विभाजन ना बंगला और पंजाब विभाजन ना बंग बिहार विभाजन ना सिंधु प्रदेश भारत विच्छिन्न तो ये दिला जे बंग बिहार विभाजन है यहाँ हूँ नथिला ना आउर कौन कौन थिला भारत पाकिस्तान विभाजन थिला बंगला पंजाब विभाजन थिला और सिंधु प्रदेश भारत विच्छिन्न हो से योजना थिला। तापर आम देखा 16 नंबर क्वेश्चन देखु स्वतंत्र पाकिस्तान राष्ट्र गठन बेले भारत के प्रदेश गुड़िक विभाजन होता
बंग, आसाम, पंजाब, ना आसाम, बिहार, पंजाब, ना मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, ना गुजरात, महाराष्ट्र, बंग। ताले स्वतंत्र पाकिस्तान राष्ट्र गठन बेले भारत जो थिला बंग, आसाम और पंजाब ये प्रदेश गुड़िक विभाजन होता है। नेक्स्ट देखो 57 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी ना, भारत स्वाधीनता आईन 1947 जो होता केबे ब्रिटिश पार्लियामेंट रे अनुमोदन लाभ करितिला, 1947 जनवरी 12 तारीख ना 1947 फेब्रुआरी 5 तारीख ना 1947 मार्च 18 तारीख ना 1947 जुलाई 18 तारीख। तेल देखो 1947 मसीहा जो जुलाई 18 तारीख रे ये ब्रिटिश पार्लियामेंट रे अनुमोदन लाभ करितिला ना। तो आपण माने जो माने सब प्रथम थर आसछंती चैनल को आपण माने लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आउ आमर जेतिकी वीडियो सब रही से वीडियो गुड़िक आपण माने सब प्लेलिस्ट आपण माने पाई परिबे। तो सेथिरे अछि आमर पॉलिटी क्वेश्चन अछि, हिस्ट्री क्वेश्चन अछि एवं उड़िया ग्रामर रो क्वेश्चन अछि, आपण माने सेठी विजिट करि परिबे। देखंतु स्वाधीन भारतर प्रथम गवर्नर जनरल किए थिले, लॉर्ड वावेल, ना लॉर्ड माउंटबेटन, ना क्लीमेंट ऑटली, ना फ्रांसिस टक्कर। ताले कौन हम भारतर जो प्रथम गवर्नर जनरल जदि आम कह ना सी होती लॉर्ड माउंटबेटन है। देखु नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखु एथे रही 1947 मसीहा 14 तारीख विलंबित रात्रि रे जवाहरलाल नेहरू केउठारे स्वाधीन भारतर जातीय पताका उत्तोलन करथिले, आगरा ठारे, ना जुम्मा मस्जिद ठारे, ना लालकिला ठारे, ना इंडिया गेट ठारे। तो आम जानचे जो लालकिला ठारे से कौन करथिले जातीय पताका उत्तोलन करथिले हला किए ना जवाहरलाल नेहरू हला मन रहा। अच्छा जदि आम कह जदि जो आम भीमराव आंबेडकर केबे जन्मग्रहण करते आप कमेंट रे जनइबे, एटा गोटे आपन पई क्वेश्चन रहिला। तापर देखंतु नेक्स्ट आम देखिवा 20 नंबर क्वेश्चन अछि देखंतु कौन रही ना, भारत तार प्रथम स्वाधीनता दिवस केबे पालन करितिला, 1947 अगस्त 15 तारीख ना 1948 अगस्त 15 तारीख ना 1947 अगस्त 14 तारीख ना 1950 जनवरी 26 तारीख। तो केते तारीख रे से आमर स्वाधीनता दिवस पालन कर भारत ताले 1900 कत मसीह प्रथम स्वाधीनता दिवस पालन करथिला, आमर तो देश स्वाधीन होता तापर केते मसीहार होता आपण माने एटा कमेंट मते जणाइबे हला, एटा मु किछि आंसर कहू नाही आपण माने कमेंट रे जणाइबे हला। नेक्स्ट देखंतु निम्नोक्त केउ व्यक्तिक अध्यक्षता रे गठित सीमा निर्धारण कमिशन दुई देशर सीमा निर्धारण करिवे, लेखि लेफ्टनेंट जनरल फ्रांसिस टक्कर, ना लॉर्ड माउंटबेटन, ना सार स्टापुट क्रिप्स, ना सार सिरिल रेडक्लिफ। तो कहा अध्यक्षता रे जो सीमा जो निर्धारण कमिशन दुई देशर सीमा निर्धारण करिवे ताले केते को कहार ना जो थिला सार सिरिल रेडक्लिफ हला सही थिले व्यक्ति। तापर आम देखिबा 22 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी 22 नंबर क्वेश्चन, स्वाधीन भारतर प्रथम उप प्रधानमंत्री किए थिले, लाल बहादुर शास्त्री, ना सर्दार चरण सिंह, ना सर्दार वल्लभ भाई पटेल, ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ताले सर्दार जो वल्लभ भाई पटेल एटा हूँ राइट आंसर हबो हला। तो आज पई एती क्वेश्चन थिला, तो
तो आज मैं इतनी क्वेश्चन थिला तो आज जो पवित्र जो शिशु दिवस अच्छे पाला सब हार्दिक अभिनंदन शुभेच्छा तेनाली रोजे जय हिंद जय जगन्नाथ।